तीसरी दफा ये हग कर रहे हैं। नींद से उठते ही मुझे इतनी प्यारी फैमिली मिली है, और नाम तहमीना है इनकी, पूरी फैमिली मेरे व्लॉग देखती है और ये स्पेशली इंडिया से मुझे यहाँ पर मिलने आए हैं। के सितारा जो है ना दुबई में आई हुई है, तो हम हाँ कभी भी नहीं भूलूंगी। 3 दिन के लिए स्पेशली यहाँ पर आए हैं और अभी ये रवाना होने वाले थे, तो 2 दिन से तो पहले ये मेरा पता कर रहे थे कि मैं कहाँ पर हूँ। दिलबर ने जो है ना रब्ता करवाया है, किसी को मिलना मतलब जैसे आपने दिलबर से रब्ता किया ना, तो मैं वही कहती हूँ कि दिलबर सबको मिलवा देता है मुझे, वरना दिल में ये रह जाता कि आप स्पेशली 3 दिन के लिए यहाँ पर आए मेरे लिए और मैं आपको नहीं मिलती तो मुझे भी एक दुख रहता। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा बिल्कुल। मैं इसीलिए इनकी वजह से, आप सबकी वजह से मैं कहती हूँ कि ये मेरा गॉड गिफ्ट है। सच में अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। इंशाल्लाह आपका सफर आसान हो, अभी इंडिया के लिए रवाना हो रहे हैं, और इनकी पूरी फैमिली का थैंक यू सो मच, क्योंकि इनकी फैमिली कितना 100 से भी ज्यादा लोग है कहते हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच आप सबका, पूरी फैमिली का थैंक यू। तो गुजरात से हमारे लिए मिठाई आई है, इंडिया गुजरात से। ये देखो ये भाग रहा है लेकर, ये देखो अच्छा दिलीप भाई से पूछे इसके साथ क्या हुआ है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, पहले खा ले फिर बता। ये तो ये आया है जम्पा बाजार, और क्या लिखा है सूरत, हाँ जम्पा बाजार लिखा हुआ है, जम्पा बाजार सूरत गुजरात इंडिया, गुजरात इंडिया से कौन आया है, खावत है हाँ, गुजरात से आया हमारे लिए मिठाई, देख लो फाइनली हमारे लिए इंडिया से भी मिठाई आ गई। ये क्या, ये प्रैंक इसने मेरे साथ भी किया है, ये हर टाइम यही करता रहता है, इतना मैं डर गई हूँ, मैंने कहा पता नहीं, ये छोटा है ना डर भी पाला हुआ है, ये मुझे सच में ऐसा लगा कुत्ता आ गया है, ऐसे मेरे पाँव में पड़ा है जोर से। अब मैं तुम्हें मिठाई नहीं दूंगी, दिलबर के साथ जब मैंने किया ना बात, वीडियो ऐसे बनाता हुआ था, मुझे पहले पता चलता कि ये अभी डर जाएगा नीचे के ऐसे, इसने तू पकड़, एक और भी है, इसने मुझे जी कौन बुला रहा है, पापा बुला रहे हैं, अच्छा मैं अपनी मिठाई ले लूं, सब अपना अपना हिस्सा ले लो, थैंक यू सो मच गुजरात। और ये लोग जो आए हैं आज हमें मिलने, ये गुजरात के, ये स्पेशली गुजरात से, ये भी गुजरात के हैं ना, हाँ ये भी गुजरात से ही आए। तो पीछे आयत ने तंग किया हुआ, मैं जा रही हूँ अपने रूम, यहाँ पर आए थे हमारे कुछ गेस्ट, हमारे बैल दो, बस आयत की रोने की आवाजें भी आ रही है, आवाजें आ रही है, कह रही है आई एम कमिंग। आपसे कब से पापा कहाँ गए आपके, ये इतनी आवाजें दे रही है आई एम कमिंग और डोर ही नहीं खुल रहा है, जाके खोले, गिरना मिला बेबी है मेरा, शरारती बेबी है, डोर नहीं खुल रहा था। हेलो गाइस, इसका मोबाइल खराब हो गया, तो कैसे फील हो रहे हैं आपको, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे मैं उन सब्सक्राइबर से मिल के आई, मेरा जो आईफोन था वो थोड़ा हैंग होने लग गया, मैंने कहा इसको ऑफ कर देती हूँ, बस मैंने आज मेरा मोबाइल खराब हो गया, और मैं जा भी रही थी बुर्ज खलीफा पर पे, मुझे बहुत ही एक अच्छी सी फैमिली है जो एक हफ्ते से मुझे कॉल कर रहे हैं कि प्लीज़ आप मेरे साथ चलें वहाँ पर, और आज का मैंने उनको टाइम दिया था, तो बस नसीब में नहीं था, पता नहीं अब मैं वो क्लिप ले सकती हूँ या नहीं ले सकती, लेकिन इस कैमरा से, फ्रंट का इसका कैमरा बहुत अच्छा, लेकिन बैक वाला कैमरा इतना अच्छा नहीं है जितना मुझसे आज हो सकेगा, बनाऊंगी आईफोन का, पता नहीं कि उसका क्या हाल होता है, बाकी सब सारे नीचे वेट कर रहे हैं, बच्चों को सबको तैयार करा लिया, तो इसलिए मैंने फिर ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे सैमसंग, ये मेरा एक छोटा सा नॉर्मल सा फ़ोन है, इसका कैमरा इतना अच्छा नहीं है, पता नहीं आज का व्लॉग मेरा कैसा बनता है। मैं आ गई, आज मैं इतना मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा, ऐसे धुंधला सा है सैमसंग का कैमरा, है ना, गुजारा तो आज करना है, ये तो नहीं है कि मिस नहीं करना आज का व्लॉग। जो सब्सक्राइबर है हमारी वो कहाँ की है, दुबई, यहाँ दुबई की है, लेकिन आदमियों में उनका उठना बैठना अरबिक फैमिली से है, मजे की बात है, अरबिक फैमिली भी हमें देखती है, हाँ अरबिक फैमिली हमें देखती है, लेकिन वो मर्दों के साथ जैसे आदमी के साथ उनका अलाउ नहीं है उनके उसमें ना, तो इस वजह से वो सिर्फ मुझे और तैयबा और आयत को लेके थोड़ी देर के लिए बातें करेंगे। उनकी अम्मी की बहुत एक ख्वाहिश थी कि वो मुझसे मिलें, वो अपनी अम्मी को मिलवाना चाहती हैं, और बस उनके साथ ही हम थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, तो आज मैं इसी से ही बोलती रहती हूँ, इसी से मेरा ब्लॉग थोड़ा साफ बनता है, बैक वाला कैमरा तो बिल्कुल इसका ख़राब है, इसी वजह से बाबर दिलबर जो है ना मेरे साथ नहीं जा रहे, ना ही मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जा रहे हैं तो ये मैं और बच्चे जा रहे हैं। हाँ चलो यहाँ पर, हाँ इसका ये पीछे ये रख दिए, बैठो आयत बैठ गई है, मैं बैठ रही हूँ, बैठो। तो आयत ने इतना तंग कि आखिर ये ऊपर से खुलवाया, और अभी देख रहे हैं हम बुर्ज खलीफा के पास पहुँच गए हैं, बिल्कुल यहाँ से तो सामने से दिख रहा है, और तो ये बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग है अभी बिल्कुल, जी
पानी कहाँ है? अच्छा इस साइड पर पानी दिख गया इसको। हाँ का माशाल्लाह से व्यू। तो इबा इसका हैंड पकड़ना, इसका हैंड पकड़ना। तो इस कैमरा में मैं चेक कर रही हूँ कि इन दोनों की पिक्चर्स ले सकते हैं, वैसे पिक्चर्स के लिए ये अच्छा है। तैयबा चलें, यहाँ से दिखाती हूँ मैं कैसा दिखता है। इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना यहाँ का व्यू, मैं आपको क्या बताऊँ। कैमरा में अब वैसा नहीं आ रहा लेकिन बहुत खूबसूरत। तो ये हम अंदर इंटर हो चुके हैं बुर्ज खलीफा में। अभी हम अंदर पहुंच चुके हैं बुर्ज खलीफा में। यहाँ से भी मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाती हूँ जितना दिखता है। फिलहाल अभी हम मैंगो जूस पीने लगे हैं सब, और यहाँ से कुछ ना कुछ दिख रहा होगा जो हम कुछ टाइम पहले भी आए थे और बुर्ज खलीफा दिखाया था मैंने आपको, बाहर के जो लाइटिंग थी सब कुछ, तो वहाँ बिल्कुल सामने अभी हम बैठे हुए हैं। आए तो हमें दिख ही नहीं रही, मिल ही नहीं रही, ना ही उसने जूस पिए। वो पूरा एक्सप्लोर करने गई हुई है बुर्ज खलीफा को, देख रही है कि अंदर से कैसा है। आपको जूस अच्छा नहीं लग रहा? हाँ प्योर। ये देखो आपके लिए कुछ और भी आ गया है। ये चीजें जब इसको दिखी हैं, कैसे भाग किया ये? कहाँ गई हुई थी आयत, आप कहाँ गई थी? सारा एक्सप्लोर कर लिया सब कुछ? व्हाइट चॉकलेट चीज के डाउन वी हैव द मोजरेला कैप्रेजे, दिस इज अ चारकोल ब्रेड विद होल्स लॉबस्टर एंड पिकल्ड मैंगो, देयर वी हैव अ सैल्मन रोल विद अ सैल्मन कैवियर ऑन द टॉप, दिस वन इज अ ट्रफल एग सैंडविच, and here we have a cucumber sandwich, another we have a tuna bean sandwich, it goes here down. Here on the tray we have a marble cake, carrot cake and a banana walnut cake, accompanied to you by clotted cream, lemon curd and raspberry jam. Thank you. And we have some more scones for you here. Thank you. आयत इंजॉय कर रही है। अभी इतनी सारी चीजें आई है ना, केक आया, सब कुछ आया, तो अब देखो कैसे आ गई मेरी गोद में सब कुछ खाने के लिए। What's your name? Wow. तैयबा। यस। हैप्पी बर्थडे विश किया, वो भी इतना प्यारा सा। तैयबा थैंक यू बोलो। तैयबा के लिए तो आज बहुत स्पेशल डे हो गया, इतना अच्छे से विश किया है। हैप्पी बर्थडे तैयबा, सरप्राइज था तैयबा के लिए, है ना? तैयबा खुश हो गई माशाल्लाह। चलो अब ये वाला केक नहीं, अब ये वाला केक खाओ, वो जाए इसको। Happy birthday to you. Happy birthday, Taiba. Okay. तो Taiba को ये वाला birthday हमेशा याद रहेगा। वीडियो क्वालिटी इतना अच्छी नहीं है लेकिन बर्थडे आज Taiba का बहुत मजे का हुआ है, और वो भी इतनी खूबसूरत जगह पर। Taiba का बर्थडे तो बुर्ज खलीफा में हो गया। हाँ बहुत स्पेशल है। जो लास्ट टाइम मैंने आपको यहाँ से सारा व्यू दिखाया था ना, तो वहाँ उस साइड पर थे, उनके बिल्कुल पास थे, और वहाँ से ये बुर्ज खलीफा दिख रहा था। सबसे ज़्यादा तो आज तैयबा का दिन स्पेशल बन गया। खुश हो? तैयबा की बर्थडे बुर्ज खलीफा में मनाई गई है। वाह, वो भी इतना अच्छे से आके इनको सेलिब्रेट किया है। मैं उस टाइम पे मोबाइल नहीं मुझे मिला और मैंने बाद में जाके उठाए। बस आपने भी खा भी लिया? यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। आज ये था कि मोबाइल मेरा सही नहीं था तो ज़्यादा शूट नहीं किया, तो उनसे बहुत देर बातें हुई और बहुत अच्छा, बहुत मतलब नाइस फैमिली थी, बहुत स्वीट फैमिली थी, बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। और दो घंटे तकरीबन हम यहाँ पर बैठे रहे, अब यहाँ से निकलते हैं। और खाना खाने के बाद हम आ गए हैं यहाँ से बाहर। यहाँ का व्यू देखें, ओ माशाल्लाह से यहाँ का व्यू कितना, इतना खूबसूरत व्यू है ना यहाँ से, बहुत माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। और इस तरह मैं क्या करूँ कि ना इसमें कुछ खास दिख नहीं रहा। ये रे बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग, कैमरा से ज़्यादा खूबसूरत है। आयत फ्रंट का कैमरा बस अच्छा है, यहाँ पर थोड़ा साफ दिखता है, बहुत खूबसूरत है। बहुत काश के मेरा आज मोबाइल अच्छा होता ना, तो मुझे लगता है मैं जब से यहाँ दुबई में आकर घूम रही हूँ ना, ये बेस्ट व्यू है और बहुत खूबसूरत है यहाँ बुर्ज खलीफा से, यहाँ का रात में ख़ास तौर पे व्यू देखना। अंदर से पूरा घूमते फिरते और खाना भी खा के सब बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया। तो अभी यहाँ का ये देखें, वो जो ऊपर से मैं आपको दिखा रही थी, अभी बिल्कुल हम फ्रंट पे यहाँ पर आए हुए हैं, तो बस आगे चलते हैं। अब मोबाइल नहीं था लेकिन बस मोबाइल में ये होता है कि मोबाइल को अगर मैं ज़्यादा पकड़ती हूँ तो इन्जॉय नहीं कर सकते। आज मोबाइल को साइड पे रख के बहुत इन्जॉय किया, आपको नहीं करा सकी, उसके लिए सॉरी।
तो गाड़ी आ गई, अब चले आ जाओ। वहाँ उस फैमिली से मिलके अभी हम वापस घर आ गए हैं, और अब ये मैंने डीडी भाई का मोबाइल उठाया और इसका रिजल्ट कुछ ऐसा दिखा दूं कि मेरा कैसे हो गया। ये रूशा हुआ पड़ा है, रूशा। ये मेरा आईफोन है और ये कुछ इस तरीके से हो गया, इसका टच बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तुम लोगों ने ना रात के टाइम जब सोए हो कुछ किया ना, इसके बटन दब गए। कुछ नहीं दबा, कुछ भी नहीं दबा, ये ऐसे हो रहा है। ये देखो ना, ये हैंग हो रहा था, फिर मैंने इसको ऑफ करके जैसे ऑन किया, फिर ऐसे हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ बकायदा 5:04 पे आप लोगों ने इसके बटन, वो नहीं है SOS जो होता है, जो उसके ऊपर आपके ना बटन प्रेस हो गए थे, उसकी वजह से ये हो। इसका कैमरा भी चेक कर रहे कि कैसा है। तो बहुत अच्छा है, फ्रंट वाला करके देख लो बस। हमारा वेट कर रही है, इसका रिजल्ट वैसे अच्छा है। वो ये वाला मुझे दे देते ना, मैं ये वाला ले जाती। पता है इतना बुर्ज खलीफा से इतना खूबसूरत व्यू था, इतनी प्यारी जगह थी। नहीं लेकर गिनेस लेने दिया, मोबाइल नहीं था वरना मैंने आज। अच्छा चलो अभी तो आज तक जहाँ पे भी गया सबसे बेस्ट व्यू था वो आज वाला। अच्छा, और हम देंगे। और नसीब की बात देखो कि मोबाइल ही नहीं था, अभी तो मिल गया। अभी उससे बेस्ट जगह पे जा रहे हैं। ये 11 है। हाँ खैर नींद आ गई, अभी इसको 2-3 घंटे मैंने संभाला, अब इसके पापा की बारी है। इसका रिजल्ट खैर मुझे वैसे अच्छा लग रहा है, शुक्र है कि कुछ ना कुछ मिल गया। अभी मुझे से दोनों पीछे ही चले गए हैं। तुम तो खुश हो जाओ। आज दूसरा दिन है इनका पीछे की वो बारी आ रही है, पीछे बैठते हैं। खुश हो जाओ, जब किस्मत है, किस्मत में पीछे बैठना है। आयत की जाग हो गई। माशाल्लाह कितना क्यूट है, ये अरबी बोलता है, इसकी अरबी लैंग्वेज मुझे तो समझ आएगी नहीं। और पीछे ये बैठा है, ये सारी जबान समझता और मुझे फिर समझाता। कहाँ पर आए हैं? बोट पे बैठी हो। तो फाइनली अभी एक और खूबसूरत सी जगह पर आ गए, एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत फैमिली के साथ, जो कि इस बोट पे अभी हम बैठने वाले हैं। यहाँ पर देखें कि बुकिंग भी थी और काफी हम लेट हो गए हैं, बस जल्दी जल्दी पहुँच रहे हैं। इतना तेजी में गाड़ी भगा कर आए, आज बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसे मूवी का सीन चल रहा होता है ना, इधर से शिप जाने वाली होती और हमें पार्किंग नहीं मिल रही, कभी कौन सा रास्ता तो कभी कौन सा रास्ता। खैर फाइनली पहुँच गए और ये रही शिप, आ रहे हैं बाकी सब। बस ये जहाज उड़ने ही वाला था, हम सब एंटर हो रहे हैं, की वजह से हो सकता है कि कॉपीराइट आ जाए। ये मुझे लगता है बाद में क्लोज हो जाएगा। ये देखिए ऐसे बना हुआ, मुश्किल से पकड़ के जाना पड़ेगा इसको। यहाँ पर पता है मैं पहले भी आ चुकी हूँ। कब? एक दफा मैं आई थी। किस लिए आई? अभिजीत के साथ जब आए थे हम, तो ये हम पहले एंजॉय वैसे करके जा चुके हैं। अभी इसलिए आई हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा वो है। तब भी बोलूं ये इतना खुश क्यों? वो छोटी बोट थी। वो तो 1 रियाल वाला था। नहीं एक नहीं, वो भी बड़ी थी। मैंने कहा 1 रियाल वाली भी है भाई। तो जो है ना आज सितारा का व्लॉग मैं स्टार्ट करता हूँ, और अभी हम लोग जो है ना क्रूज में बैठ गए, सारे बैठे हुए हैं, और अभी ये चलने वाला है, थोड़ी देर तक ये चलेगा। ये देखिए लाइटिंग वगैरह। अच्छा हिल रहा है, हिल रहा है, अभी हिल रहा है, अभी देखते हैं क्या होता है, हिल रहा है। इसमें जो है ना हम लोग डिनर करेंगे, उसके बाद थोड़े बोला है फंक्शन भी होंगे एक दो, तो वो सारा आपको कंटिन्यू हम स्टेप बाय स्टेप दिखाते रहेंगे। चौथी बार आ रही हो? नहीं, दूसरी बार आ रहे हैं। और छोटी में बैठे थे, अब ये बड़ी है। और कौन सी में बैठी हो? तो बाय बाय बोलो आप। बाय बाय, ये वाली मेरी जबान समझ गए वैसे। नहीं समझता क्योंकि घर में उर्दू समझता है। हाँ उर्दू समझता है, उर्दू समझ आ रही है। आयत आप भी एंजॉय कर रही? क्या देख लिया? अभी हमारे पास प्यारी सी शिप गुजर रही है, अभी पूरी खाली खाली ना। ये देखो ये दोनों कैसे एक साथ जा रही हैं, ये थोड़ा स्लो हो गई है। वो आ जाओ, हॉर्स आ गया। आयत 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 अब बहुत फनी है पीछे से। कितना फनी घोड़ा था, बहुत मजे का था। लो उसने तुम्हें घोड़ा बना दिया। लुक वैसे आ रहा है जैसे पापा। तो आयत यहाँ पर देखो कितना एंजॉय कर रही है, क्लैपिंग कर रही है, और यहाँ पर हर 5 मिनट बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ शो चल रहा है, अभी कुछ ना कुछ आ जाता है। मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ सबसे बेस्ट हूँ, और सबसे प्यारा व्यू जो है ना मुझे इस साइड का दिखता है। एंजॉय कर लिए और अब आ गया खाना खाने की बारी है, तो सबने अपनी अपनी प्लेट सजाई हुई है। दो प्लेटें यहाँ पर देखे, कैमरा मैन था तो हम सबकी पिक्चर्स आई है, वो भी इतनी अच्छी अच्छी आई है। ये वाली पिक्चर देखे, ये पिक्चर भी बहुत अच्छी है। ये एक हमारी सबकी एक साथ की है, ये भी बहुत अच्छी है।
ये डिन चेक पूजा भी है दे देना वाह। तो अभी हम वापस आ गए हैं और यहाँ पर कार्टून चल रहे हैं और सब अभी सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। आते ही सबसे ज्यादा मुझे खुशी किस बात की, ये देखिए मेरा मोबाइल ठीक हो गया है और रात के अभी 1 बज रहे हैं, हम वापस आए हैं। वापस तो खैर जल्दी आ गए थे, फिर बैठे हैं चाय वाय पिए, तो मैंने सबसे पहले अभी अपना मोबाइल ठीक हो जैसे हुआ इस खुशी में उठ के मैंने ब्लॉग बनाया, वरना जब से मैं आई हूँ 2 घंटे तकरीबन हमें हो गए, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो बस अभी जो है ना मुझे आपके साथ और भी बहुत बातें करनी, आज मेरा ब्लॉग इतना मजे का, इतनी अच्छी अच्छी जगहों पर गई हूँ लेकिन ब्लॉग वैसा नहीं बना। और आज मैंने ड्रेस भी ये देखे ऐसे पहनी थी, इतनी प्यारी ये ड्रेस थी, ना इसमें मैंने कोई आज पिक्चर खिंचवाई, ना इसमें कोई मेरी वो एक अच्छी वीडियो बनी, कुछ भी नहीं। मतलब व्लॉग में भी आज पूरा दिन मैं ऐसे सैड सैड सी रही हूँ, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं फ्रंट वाले कैमरा से आपसे। इलावा जो है ना ये खूबसूरत सा गिफ्ट भी मुझे मिला है और इसकी पैकेजिंग कितनी खूबसूरत है, तो इसलिए जो है ना मैंने इसको फिर ओपन नहीं किया, जब से मैंने इसको रख दिया था कि मैं इसको ओपन करूंगी आप सबके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो आप मामा का मोबाइल पकड़ोगी, थोड़ी सी वीडियो बना दो। इसमें जो है ना कार्ड भी है, परफ्यूम ही लग रहा है मुझे, बहुत प्यारी खुशबू है इसकी। तो ये परफ्यूम है, छोटा सा ये टेस्टर है साथ में, तो खूबसूरत पैक हुआ हुआ है। तो आपको कैसा लग रहा है दिखाओ, कितना खूबसूरत है ना, मतलब तो बहुत प्यारा है। का पता नहीं वहां से साफ तैयबा दिखा रही है या नहीं दिखा रही, तो ये इस तरीके का इसको अभी ओपन करते हैं। हाँ तो ये इस साइड से खुलेगा, वाह ये परफ्यूम ही है इसमें, मैंने कहा था ना कि इसकी किट है शायद कोई, ये डिटेल होगी ना अरबी में है एक साइड पर और एक साइड पे इंग्लिश में, ये सारे इसमें परफ्यूम है, कोई ऑर्डर है और ये क्या चीज है ये मुझे समझ नहीं आई। हाँ यहाँ पर भी लिखा हुआ है लैक्मो परफ्यूम कलेक्शन, खोल के चेक कर रहे हैं कि इसमें क्या है। ये जैसे लग रहा है जैसे बखूर होता है ना जलाने के लिए, कोयले पे थोड़ा सा डाल देते हैं और पूरे घर में खुशबू होती है, ये मुझे वही लग रहा है। इसमें भी तीन है, तीनों की अलग अलग खुशबू ही होंगी, तो बहुत ही खूबसूरत बहुत प्यारा गिफ्ट है, इसको मैं रख देती हूँ। तो बस इसको ना उसी में ही पैक कर दो और इसका कलर लगेगा। सबसे पहले जो मैंने खोला था ना वो ये है, और ये इसका टेस्टर है साथ में, एक अलग से था, इसके अंदर नहीं था, ये बाहर ही था टेस्टर इसका। उससे बात करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आज का मतलब मैं कहती हूँ कि बेस्ट बेस्ट एक व्यू था जब से मैं यहाँ पर घूम रही हूँ दुबई में, एक बहुत प्यारी जगह थी और मोबाइल ने आज हमारा साथ नहीं दिया। अगर के मोबाइल मेरा ठीक होता ना तो तब मैंने वहाँ पे जो मतलब वहाँ के एक व्यू था उसको मैंने जो अपनी नज़र से देखा वो मैं आपको दिखाती मैं नहीं था। मैं ये देखती हूँ कि लोग मुझसे कितना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मैं वहाँ से यहाँ तक आई हूँ, हर फैमिली ये कोशिश करती है कि इसको हम अच्छी से अच्छी जगह पर लेकर जाएं, जितना हो सके हम इसको खुश करें, ताकि वहाँ से ये यहाँ तक एक खुश अपना दिमाग फ्रेश करने के लिए, तो हम इसको वो कुछ भी याद ना दिलाएं और इसको हैप्पी रखें। बहुत ज़्यादा दुआएँ देती है, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मैं शुक्र तो बहुत अदा करती हूँ, आंसू आ जाते हैं कभी कभी, मतलब इतना सब देख के, इतना अल्लाह पाक ने सबके दिल में मेरे लिए चाहत डाली है। तो ये जो अभी भी मैंने गिफ्ट की अनबॉक्सिंग की, ये जो सबसे पहली फैमिली थी जो बुर्ज खलीफा लेके गई थी उन्होंने मुझे दिए, वो अनबॉक्सिंग किए। दूसरी फैमिली ने भी बच्चों के लिए कुछ दिए थे, मुझे भी शायद था परफ्यूम, मैंने भी वो चेक नहीं किया, लेकिन वो सब अगर मैं दिखाती तो फिर बहुत टाइम लग जाना था। मुझे बाबर दिलबर की वाइफ के लिए ऐसे कमेंट आ रहे थे कि आपने उसके लिए नहीं बोला, देखें मुझे इसके अलावा किस चीज़ पे कमेंट नहीं आते कि मैंने किसके लिए नहीं बोला, मैंने उसके लिए नहीं बोला, अपने बच्चों के लिए नहीं बोला, मैंने अपने लिए नहीं बोला, मैंने फलां के लिए नहीं बोला। तो मैं बोलती तो वैसे किसी के लिए नहीं हूँ, मैं इग्नोर करती हूँ इन सारी चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर मेरे बोलने से किसी को ना तो कोई सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि ये है या वो है। जो बाबर और दिलबर की वाइफ हैं वो सच में मेरे साथ अच्छी हैं, तो मैं जाहिर से बताई, क्योंकि इंसान की लाइफ का कभी कोई पता नहीं होता, कोई भरोसा नहीं होता। तो मैं समझती हूँ जितना जब आपको कभी कोई टाइम मिल रहा है तो उसमें आपको बोल देना चाहिए कि हाँ वाकई में वो इंसान अच्छा है। तो वो दोनों मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। आपको बता नहीं सकती कि जब मेरे हस्बैंड की शादी हुई थी तो उस टाइम पे मैं घर पे अकेली थी ना, आई थी और मैं रो रही थी उस टाइम पर, तो ये दोनों उस टाइम पे भी मेरे पास आई थी, बाबर भी लेकर आया था, दिलबर भी, अपनी दोनों वाइफ इनकी आई थी, और इन्होंने मुझे ये बात कही थी कि हमने तुम्हारे अब्बू का नमक खाया है तो तुम्हारे लिए हमारे दिल में एहसास है। वो बात मुझे उनकी नहीं भूलती, और मैं जब भी परेशानी हूँ वो हमेशा दोनों मेरे लिए आती हैं,
तो मैं कहती हूँ मुश्किल वक्त में जो आपका साथ देता है वो मुझे चेहरे कभी भी नहीं भूलते और वो किसी को नहीं भूलते। ऐसे ऐसे टाइम पे आकर उन्होंने मुझे चुप कराया है और मुझे गले से लगाया है, तो मेरे दिल से तो उनके लिए दुआएं निकलती हैं और वो मेरे लिए कभी भी बुरी नहीं हो सकती और वो सच में बहुत अच्छी हैं। बाकी तो मैं कहती हूँ कि ना मुझे पता है कि हाँ अब इस पे भी बातें होंगी, सितारा ने उनको क्लियर किया अपने आप को, नहीं कि मुझे जरूरत नहीं है मत इनका आना जाना। ये मेरी चाचू की बेटी है, सगी चाचू की बेटी है, तो वो इसलिए वो कहती है कि वो हमारे चाचू थे और हमने उनका नमक खाया है, तो तुम हमारी एक छोटी बहन की तरह हो, तो वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। तो जाहिर सी बात है मुझे मेरे दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, प्यार है इतना है, फातिमा और सुमैरा के लिए। तो बस इतना ही आज का व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। जैसा भी बना है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बड़ी बात है कि व्लॉग मिस नहीं हुआ। उसके लिए अगर के मोबाइल का कोई ऑप्शन ही ना होता, मिस हो जाता, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता, तो ये बना तो है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और कल मिलती हूँ एक नया व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।